गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल सी यूनिट नंबर 2, फॉर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका ओवरऑल हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे फॉर्म, मतलब उसके क्या कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, क्या होता है बिजनेस, क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन, की सारी सब चीज़ें हमने देखी थी। आज से हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले और उसमें फॉर्म्स ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोला है। फॉर्म्स ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इतना वास्टली बढ़ने लगा, जैसे ग्रोथ इन अ ह्यूमन सिविलाइजेशन, ठीक है, द वेरियस फॉर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म। सिविलाइजेशन इतना स्पीडली क्या होते जो ग्रोथ होने लगी ह्यूमंस के सिविलाइजेशन में, इतनी फास्टली होने लगी कि उस वजह से क्या होने लगा कि बहुत से फॉर्म्स तैयार हो गए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मेनली जो हम देखेंगे वो है 3 फॉर्म्स, दैट इज फर्स्ट इज अ सोल ट्रेडर, सेकेंड इज अ पार्टनरशिप फॉर्म एंड थर्ड इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। पहला कौन सा है हमारा? सोल ट्रेडर, ठीक है। सोल ट्रेडर किसे कहते हैं हम ये देखेंगे, देन उसके मैरिज, डीमेरिज, लिमिटेशंस, ये सारी सब चीज़ें देखेंगे। सोल ट्रेडर होता क्या ये देखेंगे, देन हम पार्टनरशिप फॉर्म देखेंगे, देन हम जॉइंट स्टॉक कंपनी देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो इसमें हम यूनिट 2 में हमको अल्टीमेटली क्या बता रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स क्या होते हैं, क्लियर है। अब सबसे पहला आ जाता है हमारा सोल ट्रेडर, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है सोल मतलब वन पर्सन, सिंगल पर्सन, ठीक है, दैट इज अ वन मैन। ट्रेडर मतलब तो आपको पता है बिजनेसमैन, ठीक है। द सम टाइम नोन एज अ वन मैन बिजनेस, जब कोई किसी एक के हाथ में सारा बिजनेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, सोल ट्रेडर। इट इज अ टाइप ऑफ अ बिजनेस यूनिट वेयर वन पर्सन इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल, मतलब सारा उस बिजनेस को चलाने के लिए सारा का सारा कैपिटल वो एक सिंगल पर्सन लेके आ रहा है, जो भी रिस्क हो रहे हैं वो भी अकेला उठा रहा है, और जो भी उसमें प्रॉफिट हो रहा है वो भी वो क्या कर रहा है, उसका फायदा भी वो अकेला ही ले रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, दैट इज सोल ट्रेडर, जो सारे रिस्क को भी बियर करता है और उसको मैनेजमेंट भी वही करता है, यानी ओवरऑल इस बिजनेस को कौन देख रहा है, सोल ट्रेडर। अकेला कोई एक इंसान देख रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, सोल ट्रेडर, कोई वन मैन देख रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शॉप है, किसकी शॉप है, बोले कि एक आइसक्रीम शॉप है, तो उस आइसक्रीम शॉप को ए नाम का कोई पर्सन है, उसने अकेले उस बिजनेस को क्या किया है, अपना कैपिटल लेके आया है और उस बिजनेस को उसने खड़ा किया है, और वो अकेला उस चीज़ को क्या कर रहा है, उस बिजनेस को रन कर रहा है, चला रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सोल ट्रेडर हो जाएगा, ठीक है। देन फीचर्स ऑफ अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, इसके फीचर्स क्या है, सिंगल ओनरशिप, उसकी ओनरशिप कैसी होती है, क्योंकि वो अकेला देख रहा है ना, तो इसकी ओनरशिप कैसे रहेंगी, उसके अकेले के हाथ में रहेंगे, तो क्या है, सिंगल ओनरशिप, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो भी रिस्क हो रहा है, जो भी लॉसेस हो रहे हैं, वो भी क्या करेगा, वो अकेला पर्सन ही क्या करेगा, बियर करेगा, और जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो भी उस अकेले इंसान को ही मिलेगा उस, ठीक है। मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन क्या होता है, जहाँ पे एक पर्सन होता है वहाँ पे रेगुलेशन भी क्या होते हैं, कम होते हैं, वहाँ पे रेगुलेशन गवर्नमेंट हर चीज़ में रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती, उसमें उसके अकेले के हाथ में होता है, तो उसमें गवर्नमेंट का रूल्स और गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन भी क्या होते हैं, बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, ठीक है। नो स्पेशल लेजिस्लेशन फॉर द सोल ट्रेडिंग कंसर्न, कोई भी नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर फॉर द फॉर्मेशन एंड क्लोजिंग ऑफ अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, कि कोई भी स्पेशल लेजिस्लेशन नहीं बना है इस सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिए, ठीक है, और ना ही इसे ओपन करने के लिए या फिर क्लोज करने के लिए कोई अलग सा कोई लीगल फॉर्मेलिटीज लगती है, ठीक है। आपके पास कैपिटल है, आप एक जगह खरीद लो, अपना एक बिजनेस चालू कर दो, सिंपल एज, सिंपल एज, ठीक है। बट वही चीज इसमें नहीं होती बाकी केस में, ठीक है। देन
क्विक डिसीजन मेकिंग, ठीक है, जो भी लग रहा है आपको किसी का वेट नहीं करना है, आपको लग रहा है कि आपके बिजनेस में इस चीज़ की कमी है तो आप खुद का डिसीजन लो, फट से उसको क्या कर देंगे, उसमें क्विक डिसीजन हो जाएगा, ठीक है, किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंप्लीट कंट्रोल, ठीक है, एक पर्सन देख रहा है तो उसका पूरा कंप्लीट कंट्रोल रहेगा उस बिजनेस में, किसी अलग से किसी पर्सन से उससे एडवाइस लेने की या फिर उसको अपने बिजनेस को कैसे कितना कैपिटल लगाना है क्या करना है या फिर उसकी कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती, उसको जैसा लगता है वो कंप्लीट कंट्रोल अपने बिजनेस में रख सकता है। देन देयर इज अनलिमिटेड स्टेटस, अनलिमिटेड स्टेटस अगर उसको लगता है मेरे बिजनेस से इतना पैसा मैं निकाल सकता हूँ, इतना पैसा मैं डाल सकता हूँ या फिर इतना मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, इतना मुझे नहीं करना है, ये सारे जो होते हैं ये अनलिमिटेड होता है, ये उसकी उसके डिसीजन पावर पे डिपेंड करता है, तो अनलिमिटेड स्टेटस होते हैं, ठीक है। देन द प्रॉम्प्टीनेस इन द डिसीजन मेकिंग क्या होता है, क्विकनेस होता है, वेट करना है नहीं, ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, है ना, और मेनली क्या होता है कि जैसे बहुत सारे हर कोई अपना डिसीजन बता रहा है ना, ये भी बता रहा है वो भी बता रहा है, तो उससे क्या होता है उसमें क्लैशेस नहीं आते या फिर ऐसी गड़बड़ नहीं होती है कि वो कुछ बोल रहा है वो कुछ बोल रहा है, उनका उनका फ्री उनका जो कंसेंट रहता है वो क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, काफ़ी लोग होते हैं तो इसमें क्या ये अकेला ही है, तो एक प्रॉम्प्टनेस रहता है एक डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। तो ये सारे क्या है फीचर्स हैं। देन आ जाते हैं हम लोग लिमिटेशंस की तरफ, ठीक है, तो लिमिटेशंस क्या होती है, लिमिटेशंस बोलता है लिमिटेड कैपिटल, ठीक है, एक अकेला इंसान कितना पैसा लगाएगा, ठीक है, अगर कोई ए है, ठीक है, उसके पास में 40,000 है, ठीक है, 40,000 वो अपने बिजनेस में लगा रहा है, वही अगर वो पार्टनरशिप में कर रहा है किसी बी के साथ में और वो भी अगर 50,000 रुपीज ला रहा है, सपोज 50 ला रहा है या 40 ला रहा है, तो कितना होगा 80,000 का एक होलसम अमाउंट उनके पास आ जाती है, है ना। बट वही अगर सिंगल ए की बात करूँ तो उसके पास तो 40,000 है, तो इसमें क्या हो जाता है, ये एक लिमिटेशन हो जाता है कि उसके पास में लिमिटेड कैपिटल होता है। देन अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होना ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है, क्योंकि इसमें अकेले का, इस बिजनेस में उस अकेले का है लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब वो कितना भी जब चाहे तब वो विड्रॉ कर सकता है, तो अगर वो ज़्यादा विड्रॉ करेगा अपने बिजनेस से तो वो बिजनेस में क्या खर्च करेगा और क्या अपने बिजनेस को वो आगे बढ़ाएगा, तो ये क्या हो जाता है एक ड्रॉबैक हो जाता है किसका, सोल ट्रेडिंग कंसर्न का। नो अपॉर्चुनिटी फॉर कंसल्टेशन, ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती इसमें कंसल्टेशन की, जैसे दो लोग रहेंगे तो दो लोग अपनी अपनी राय देंगे, एक आइडिया जनरेट होता है, बट इसमें क्या होता है वो अकेला है तो एक अकेला इंसान एक लिमिटेड तक ही सोच सकता है, ठीक है, वो बी जैसा सोच रहा है वैसा जरूरी नहीं है वो वैसा सोचेगा, बी का डायरेक्शन कुछ और हो सकता है, तो इसमें क्या होता है एक लिमिटेड कंसल्टेशन हो जाता है कि वो अकेला ही सारे डिसीजन ले रहे हैं, हो सकता है जो आइडिया बेस्ट आइडिया उसके पास नहीं आ रही हो, ठीक है, जो आइडिया अगर वो किसी और के साथ करे, तो एक क्या हो जाता है ये नो अपॉर्चुनिटी फॉर नो अपॉर्चुनिटी फॉर कंसल्टेशन, कंसल्टेशन के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज के पास अवेलेबल नहीं होती है, दैट मीन्स ये नहीं होता है, ठीक है। नो स्टेबिलिटी, एग्जैक्टली, एक अगर आप अकेले ही उस बिजनेस को रन कर रहे हो, ठीक है, आपका खुद का माइंड अगर सेट नहीं है उस पर्सन का, तो वो कह रहेंगे एक स्टेबिलिटी नहीं रहेंगी उसके बिजनेस में, वो हमेशा फ्लक्चुएट होते रहेगा कि अब ये करूँ क्या, अब ये ऐसे करूँ क्या, अब ऐसे करूँ क्या, तो ये क्या हो जाता है इसमें स्टेबिलिटी की एक प्रॉब्लम आ जाती है कि एक लो स्टेबिलिटी हो जाती है, स्टेबिलिटी उसमें नहीं होती। देन नो लीगल स्टेटस, लीगल स्टेटस क्यों नहीं होता, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें बहुत मिनिमम होते, किसी भी एंट्री के लिए या फिर किसी भी एग्जिट के लिए वहाँ पे कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, ठीक है, नो लीगल्स लीगल लीगल फॉर्मेलिटीज उसमें नहीं होती है, लीगल उनके जो प्रॉपर जैसे एक स्टेप होती है वो सब चीज़ें नहीं, आपका जब मन करे आप खोल रहे, ठीक, लीगल स्टेटस इसमें नहीं दिखता, वो बिजनेस कब बंद हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती, राइट। देन
मोनोटनी एंड हार्ड वर्क. तो इसमें क्या होता है, अकेले ही आपको सब कुछ करना है तो इसमें क्या हो जाता है, जो आपका वर्क है वो डिवाइड नहीं होता, वो आपको अकेले ही पूरा उस पूरे वर्क को अकेले ही देखना है. तो इसमें हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आपको अकेले अपने बिजनेस को एक लेवल तक के जाके खड़ा करना है. तो उसमें बहुत स्टार्टिंग में आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है. ठीक है, तो सोल ट्रेडिंग डिस्कशन में ये चीज़ होती है. अब्सेंस ऑफ अ प्रमोशन, एग्जैक्टली प्रमोशन का तो कोई ये नहीं आता. अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, लॉस हो रहा है तो रिस्क बेयर करो, कोई प्रमोशन की बात ही नहीं है इसमें. नो डिविजन ऑफ लेबर, ठीक है अकेला है, ठीक है सोल ट्रेडर है, तो इसमें लेबर का तो डिविजन का सवाल ही नहीं उठता. क्लियर है? तो ये सारी सब चीज़ें इसमें किस में आ जाती है, सारी लिमिटेशंस में आ जाती है. ठीक है, किसके, सोल ट्रेडिंग कंसर्न के. मॉनिटेनियर हार्डवर्क में क्या होता है, एक चीज़ और मैं भूल गई थी, ये मॉनिटेनियर हार्डवर्क में क्या होता है, द डिजायर टू गेट अ रिच क्विक टेन टू ओवर पावर द सोल ट्रेडर, दिस लीड टू द लॉन्ग ऑर ऑफ अवर वर्क. ठीक है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है. ओके, और कॉन्सिक्वेंटली अगर कोई इल हेल्थ होती है तो भी उसी को देखना है, या फिर उसको अपनी दुकान बंद रखनी, उसको अपना ट्रेडिंग बंद रखना पड़ेगा. तो ये क्या हो जाता है, एक उसके लिए एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है कि उस टाइम पे उसको वो चीज़ क्या करना है, बंद करके रखना है. ठीक है, तो ये सब चीजें होती है सोल ट्रेडिंग कंसर्न में. देन हम आते हैं अपने पार्टनरशिप में. पार्टनरशिप क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप क्या होता है, जब मोर देन टू पर्सन आर इन्वॉल्व. ठीक है, जब दो और दो से ज्यादा लोगों का जब होता है, दो मिनिमम टू या मोर देन टू जब लोग इन्वॉल्व होते, दैट इज कौन, पार्टनरशिप, वो आ जाते हैं पार्टनरशिप. और पार्टनरशिप के लिए अलग से एक्ट बना, दैट इज इंडिया पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंडर सेक्शन 4, जिसमें एक डेफिनेशन दी है पार्टनरशिप की. वो कहती है द रिलेशनशिप, द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ठीक है, इसमें क्या होता है, एक रिलेशन बन जाता है किसके बीच में, पर्सन्स के बीच में, जो अग्री करते हैं कि वो शेयर, जो प्रॉफिट जो होगा उसको शेयर करेंगे. नॉट ओनली प्रॉफिट बट ऑल्सो रिस्क ऑल्सो. ओके, इट्स विच इंक्लूड रिस्क ऑल्सो. तो उसमें क्या होता है, रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं होती, रिस्क भी इन्वॉल्व होता है. तो वो क्या करते हैं, जो भी उतार चढ़ाव आएंगे उस बिजनेस में, तो वो क्या करेंगे, उस चीज़ के शेयर करेंगे उस चीज़ को. ठीक है, कोई भी अकेला बियर नहीं करना, दैट इज अ पार्टनरशिप. ठीक है, फीचर्स क्या होता है, एक स्पेशल एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप में. ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप डीड होती है, उसमें वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, उनका प्रॉफिट शेयरिंग, मैंने कहा पार्टनरशिप डीड होती है. ठीक है, पार्टनरशिप डीड में क्या होता है कि उसमें सारे सारा का सारा पूरा एक एग्रीमेंट में लिखा होता है कि इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रहेगा. ठीक है, इनकी ड्रॉइंग्स कितनी रहेंगी, इनकी लाइबिलिटीज़ कितनी रहेंगी. ठीक है, इनको क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, इनको क्या वर्क डन करनी है, ये सारी सब चीज़ें, छोटी मोटी सारी चीज़ें इस पार्टनरशिप डीड में दी रहती. तो एक प्रॉपर एग्रीमेंट होता है. ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, अगर लॉसेस होगा तो भी दोनों सब मिलके शेयर करेंगे पार्टनर्स. ठीक है, ए बी सी जो भी पार्टनर्स है, ये तीनों मिलके शेयर करेंगे. अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो भी वो शेयर करेंगे, और कोई लॉस हो रहा है तो भी वो क्या करेंगे, उसको बेयर करेंगे. रिलेशनशिप ये एक बहुत अच्छा होता है कि इन तीनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बनता है. तो वो एक दूसरे को चीज़ों को, जैसे मैंने कहा था कि उसमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, बट पार्टनरशिप में वो चीज़ होती है, हाँ करना है बट क्या करना है, इसमें वो चीज़ डिवाइड हो जाती है. ठीक है, ए बी सी ये तीन अगर पार्टनर हैं तो इनमें क्या हो जाएंगी, वो चीज़ क्या होंगी, डिवाइड होंगी. अगर सपोज सी की तबीयत खराब है तो ए उसका काम देख लेगा, उसके वजह से उसका बिजनेस बंद नहीं हो रहा है, उसके वजह से उनका जो क्या बोलते बिजनेस है वो क्या हो रहा है, वो क्लोज नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो कोई और कर ले रहा है उसके बदले में काम. तो बिजनेस इजीली रन होते रहता है. ठीक है, चलते रहता है अपना. देन आ जाता है लाइबिलिटी. लाइबिलिटी में इनकी लाइबिलिटीज भी जो रहती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है इनकी. ठीक है,
अब वो डिपेंड करता है, लाइबिलिटीज आर अनलिमिटेड भी होती है, किसी की ज्वाइंट लाइबिलिटी होती है, सेवरल लाइबिलिटीज। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज में क्या होती है, डेब्ट ऑफ द फर्म आर द पेड ऑफ फ्रॉम द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। ठीक है, जो भी अगर अगर पार्टनर्स ने अनलिमिटेड लाइबिलिटी को अगर यूज किया है, तो जो भी डेब्ट रहेगा उसको क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी से वो लोग क्या करेंगे, दे देंगे। और जॉइंट जॉइंट लाइबिलिटी में क्या होता है कि अगर किसी किसी भी इसमें अगर कोई लॉसेस हो रहा है या फिर उन्होंने ड्राइंग्स ज़्यादा कर ली है, ठीक है, तो उसमें क्या होंगे, ये जो सारे पार्टनर्स हैं ए और बी, सपोज ए ने किया है तो बी और सी भी उस चीज़ को क्या करेंगे, इक्वली लाइबल रहेंगे उस चीज़ के लिए, क्या करने के लिए, उस लाइबिलिटी को फुलफिल, उस डेब्ट को फुलफिल करने के लिए। क्लियर है? नंबर्स ऑफ अ पार्टनर, नंबर्स ऑफ अ पार्टनर्स कितने होते हैं इसमें, नंबर्स ऑफ अ पार्टनर जो होते हैं मिनिमम 2 होते हैं, मैंने कहा था, और मैक्सिमम इसमें नंबर्स होते हैं, अगर मैं बैंकिंग बिजनेस की बात करूँ तो 10, और अगर बैंकिंग की मैं बात कर रही हूँ तो 10, और अगर मैं किसी अदर की बात कर रही हूँ तो उसमें आ जाएगा 20 मैक्सिमम की बात करी, ठीक है, मिनिमम तो 2 होते हैं, ठीक है। देन आ जाती है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। इसमें क्या होता है, ये एक चीज़ होती है कि म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस की कहीं कमी भी होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। क्या होता है, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म इज अनलिमिटेड। लाइबिलिटी जो होती है पार्टनर्स की, वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। उसके वजह से उनके बीच में एक गुड फेथ बिटवीन द पार्टनर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायर फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म टू लास्ट लॉन्ग। मीन्स दैट ओनली दोज पर्सन हु हैव द इम्प्लिसिट ट्रस्ट एंड द कॉन्फिडेंस इन अदर वन शुड एंटर इन टू द पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है, अनलिमिटेड होती है, ठीक है, मैंने जैसे कहा यहाँ पर जो उनकी पार्टनरशिप उनका जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होने की वजह से उन्हें क्या होता है कि उन्हें ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर ए ने बहुत ज़्यादा क्या किया है, खर्चा कर लिया है, तो बी और सी को उस पर पूरा ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट आ जाता है कि बी और सी को उस पर ट्रस्ट होना चाहिए कि वो सब चीज़ों को फुलफिल कर देगा, और ट्रस्ट नहीं है तो इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर बन जाता है किसके लिए, पार्टनरशिप के लिए, ठीक है। देन आ जाता है डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन क्या होता है, अगर किसी की डेथ हो जाती है ना, किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तब भी वो डिसोल्यूशन हो सकता है। अगर सपोज इन दोनों में से ये दोनों विड्रॉ कर लेते, रिटायर हो जाते, तो भी ये क्या हो जाएगा, इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। तो ये कभी भी हो सकता है, एट एनी टाइम हो सकती है, जब पार्टनर्स अगर एग्री करते हैं कि हमें ये बिजनेस को नहीं चलाना है आगे, तो इस टाइम से अगर कोई किसी की डेथ हो जाएंगी, कोई इंसॉल्वेंट हो जाया, हो गया, तो इन सब चीज़ों में क्या हो जाए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या हो जाती है, डिक्लेयर कर देते हैं वो लोग, ठीक है। देन आ जाता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन तो मस्ट होता है, ठीक है, उस पार्टनरशिप को चलाने के लिए जैसे एग्रीमेंट होता है, वैसे पार्टनरशिप का क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। और रजिस्ट्रेशन जो है और पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट अ कंपल्सरी। इसमें क्या होता है, कंपल्सरी नहीं होता है, एकदम 100% कंपल्सरी ये नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाना, बट अगर नहीं करवाते हैं तो भी उनको क्या होता है, द पार्टनर्स में रजिस्टर द फॉर्म विद द रजिस्टर ऑफ द फॉर्म ऑफ द स्टेट। जो भी स्टेट का जो रजिस्टर आ रहा है उसके पास में जाके वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हाउ इन द स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज कंपल्सरी। अगर हम बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट की, तो इसमें क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन जो होता है पार्टनरशिप का वो कंपल्सरी हो जाता है। द पार्टनर एंड द फॉर्म्स आर बेनिफिटेड बाय द रजिस्ट्रेशन। और इसका बेनिफिट किसको मिलता है, पार्टनर्स को ही मिलता है। एब्सेंस ऑफ अ लीगल स्टेटस। इसमें क्या होता है, लीगल स्टेटस काफ़ी कम होता है। पार्टनरशिप इज अ पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोई भी भाई भाई का बीच में पार्टनरशिप हो सकती है, फ्रेंड्स के बीच में पार्टनरशिप। तो इसमें क्या होता है, ये क्या हो गया, एक पर्सनल रिलेशन होता है। पार्टनरशिप आप किससे किसके साथ करना चाहोगे, जिसको जिस पे आपको ट्रस्ट है कि ये बंदा मुझे लॉस में नहीं जाने देगा, ये बंदा जो है वो क्या इस बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, है ना, उसी से हम पार्टनरशिप करेंगे। ऐसे किसी से भी पार्टनरशिप जिसको हम जानते नहीं उससे पार्टनरशिप नहीं करेंगे। तो उस चीज़ में क्या हो जाता है, एक पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है इसमें, पार्टनरशिप में। नो सेपरेट लीगल स्टेटस, ठीक है, कोई एक सेपरेट लीगल स्टेटस इसके लिए नहीं होता। द फॉर्म ऑफ द पार्टनर्स द बिजनेस आर ऑल्सो इंटर रिलेटेड। इसमें क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, इंटर रिलेटेड होते हैं,
ठीक है। देन आ जाता है अब्सेंस ऑफ अ सीक्रेसी, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, कोई सीक्रेट नहीं होता, बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, जैसे मैंने कहा मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 10 to 20 होते हैं। तो इसमें क्या होता है, सीक्रेसी मेंटेन नहीं रह सकती, ठीक है। अगर सोल ट्रेडर है तो उसका पूरा पूरा पूरी सीक्रेसी वो मेंटेन कर सकता है, बट उस सोल ट्रेडर में, क्योंकि जितने पार्टनर हैं उनसे वो सारी चीज़ें डिस्कस करना कि बिजनेस में क्या हो रहा है, क्या डिसीजन ले रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कैसे बिजनेस चल रहा है, इसमें क्या करेंगे, सारी चीज़ें किसमें इन्वॉल्व होती है, पार्टनरशिप में सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि पूरी सीक्रेसी मेंटेन नहीं होती है। सो यहाँ पे क्या होता है, टर्मिनेशन, देन आ जाता है टर्मिनेशन ऑफ अ मेंबरशिप। ये मेंबरशिप क्या हो जाती है, कभी भी टर्मिनेट हो सकती है, ठीक है। अगर कोई पार्टनर्स के बीच में नहीं हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ये क्या हो जाएंगा, ईजीली क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाती है पार्टनरशिप। देन आ जाता है हमारा लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है इसके, लिमिटेशंस एक सेकेंड, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट सबसे मेन होता है, कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे पार्टनर्स हैं, राइट, ठीक है। इतने सारे पार्टनर्स हैं तो इनके बीच में क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि उनके बीच में पटी नहीं पटी, ठीक है। कोई कोई अपना परसेप्शन उनको पसंद आया नहीं आया किसी पार्टनर्स का, तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। रिस्ट्रिक्टेड मेंबर्स, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड मेंबर्स होते हैं, जैसे कि कहा लिमिटेड टू 10, ठीक है। बहुत सारे अगर वो बैंकिंग के हैं तो 10, ठीक है, और अगर वो नॉन बैंकिंग के हैं तो 20, तो इससे ज़्यादा वो लोग अलाउ नहीं करते पार्टनरशिप में। तो एक रिस्ट्रिक्शन मेंबरशिप मेंबर्स होते हैं, कैपिटल दैट कैन बी कलेक्टेड बाय पार्टनर्स इज लिमिटेड। तो इसकी वजह से क्या होगा, उनके बीच में जो भी कैपिटल होगा वो भी क्या होगा, लिमिटेड होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा वो लोग कर नहीं सकते। देन आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड होने की वजह से क्या होता है, तो लाइबिलिटीज कि ज़्यादा इससे होने वजह से क्या होता है, उनका जो क्रेडिट है वो बहुत ज़्यादा हो गया था, फॉर्म में गेट अ मोर क्रेडिट, बट फॉर द पार्टनर दिस इज अ रिस्क, बिकॉज द पार्टनर स्टैंड द पार्टनर लाइबल liable for his own act as well as those of the other partners, the property which ruined him and his family discourage many people from the बिकमिंग अ पार्टनर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिस्करेजमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है अनलिमिटेड पार्टनरशिप होने की वजह से, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होने की वजह से, क्लियर है। देर आ जाते हैं नॉन ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर। इसके जो शेयर है वो ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, अगर किसी एक ने खरीदा है, ए ने खरीदा है, तो वो क्या होगा, वो उसी को वो वही यूज़ कर सकता है, वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता अपने शेयर्स को। डिफ़िकल्टी ऑफ एडमिटिंग न्यू पार्टनर्स, किसी न्यू पार्टनर्स को लेने के लिए बहुत एक लंबी प्रोसीजर होती है इसमें, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है किसी न्यू पार्टनर्स को एंटर करने के लिए, ठीक है। लिमिटेड स्कोप ऑफ बिजनेस, इसका स्कोप की कैसा कैसा हो जाता है लिमिट, क्योंकि सबकी राय अपनी अपनी डिफरेंट होती है ना। कोई कैपिटल देगा, अगर अपने को एक बिजनेस चल गया है, अब इस बिजनेस को मुझे और वास्ट करना है, तो मैं सोच रहा कि कहीं और एक बिजनेस खोल जाए, पर बाकी पार्टनर्स क्या है, वो रेडी नहीं है अपना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करने के। तो इसमें क्या हो जाता है, जो बिजनेस अच्छा बढ़ना है वो भी नहीं बढ़ पाते हैं, तो इसमें क्या होता है, लिमिटेड स्कोप हो जाता है बिजनेस क्लेम। इररिस्पॉन्सिबल पार्टनर्स, कुछ ऐसे पार्टनर्स भी होते हैं जो इररिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने वर्क को लेके, है ना, जो ढंग से काम नहीं करते, बस आधी आगे आ जाते हैं, कैपिटल अपना कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो इस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। देन आ जाता है अब्सेंस ऑफ अ लीगल स्टेटस, ठीक है। लीगल स्टेटस जैसे कि मैंने कहा, इसमें बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, ठीक है, एग्रीमेंट होता है, डीड होता है, बट लीगल स्टेटस क्या इसका, महाराष्ट्र में तो ये कंपलसरी है बट बाकी जगह कंपलसरी नहीं होता है, तो इसके वजह से लीगल स्टेटस इनका एक प्रॉपर लीगल स्टेटस नहीं दिखता उनके पार्टनरशिप में, ठीक है। देन आ जाता है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि लैक ऑफ कंटिन्यूटी, उस बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए क्या हो जाता है, कंटिन्यूटी नहीं रह सकती,
किस वजह से नहीं रह सकती, कभी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गए फिर तो वो पार्टनर्स फॉर्म लैक्स ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस, डेथ, किसी की डेथ हो गई, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, इंसेंट हो गया, रिटायर हो गया पार्टनर में, पुट एन एंड टू द पार्टनरशिप, पर्टिकुलरली ये सब चीजों की वजह से क्या होता है, बिजनेस ढंग से